मूवी की शुरुआत में हमें दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट को दिखाया जाता है, जो कुछ ही समय में फटने वाला था। वहाँ के दो इंजीनियर्स इस ब्लास्ट को फटने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर वहाँ के सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस चाइनीज लैंग्वेज में थे, जिसे ये दो इंजीनियर समझ नहीं पाते। तभी अचानक वहाँ पर फॉक्स नाम का आदमी फ्यूचर से प्रकट हो जाता है और एक चाइनीज ट्रांसलेटर को उन दो इंजीनियर्स की मदद करने को बोलता है, ताकि वो सभी उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को फटने से रोक सके। अब फॉक्स उन साइंटिस्टों को येलो बटन दबाने को बोलता है, पर तभी वहां पर दो टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स आ जाते हैं और फॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर फॉक्स तुरंत वहां से गायब हो जाता है। वो दो टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स उन साइंटिस्टों को बताते हैं कि उन्हें ब्लू बटन को प्रेस करना चाहिए। ब्लू बटन को दबाते ही वहां का डोर खुल जाता है और यहां उन इंजीनियर्स को लगने लगता है कि उन्होंने इस पावर प्लांट को फटने से बचा लिया। पर तभी उस प्लांट में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उन दो साइंटिस्टों के साथ साथ आसपास के सभी जानवर और इंसान मारे जाते हैं। आगे हमें साल 2022 के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग को दिखाया जाता है, जहां गिलबर्ट नाम का एक आदमी एक्सामैको नाम का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की बात कर रहा था। वहां बैठी एलिस नाम की एक लड़की गिलबर्ट से काफी मुश्किल भरे सवाल पूछने लगती है, जिसे देख गिलबर्ट वहां के सिक्योरिटी को बुलाकर एलिस को वहां से ले जाने को बोलता है। वहीं पर उसके दोस्त भी बैठे हुए होते हैं, जो ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि इसे वो लोग सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। अब एलिस और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके पास से उनका कैमरा छीन लिया जाता है। तभी एलिस का एक दोस्त बताता है कि उसने उस कैमरा से मेमोरी कार्ड निकालकर पहले ही छुपा लिया था। तभी वहां पर एलिस के फादर आकर एलिस की जमानत करवा देते हैं और यहां हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि एलिस के ही पिता है। यहां हम देख सकते हैं कि इन दो बाप बेटी में जरा भी नहीं बनती, क्योंकि एलिस को लग रहा था कि गिलबर्ट जब इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बना देगा तो लोग इस न्यूक्लियर पावर को गलत जगह इस्तेमाल करेंगे और फ्यूचर में अर्थ प्लैनेट को भी नुकसान होगा। वो आगे बताती है कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई। अगर वो आज जिंदा होती तो गिलबर्ट को ये सब करता देख काफी दुखी हो जाती, क्योंकि वो अक्सर अर्थ के फ्यूचर के बारे में चिंता करती रहती थी और उसके डैड धरती की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए हैं। ये सुन गिलबर्ट कहता है कि उसकी माँ आज जिंदा नहीं है, इसलिए उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एलिस गुस्से में आकर कार से उतरकर जाती है और तभी उसके दोस्त उसके फोन पर कॉल करते हैं। उसके दोस्त सलाह देते हैं कि वो गिलबर्ट के कंप्यूटर से सारा डेटा उड़ा दे, जिससे वो कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बना नहीं पाएगा। रात के समय एलिस अपने डैड के कमरे में जाकर उसके कंप्यूटर से सारा डेटा उड़ा देने की सोचती है। तभी उसे फॉक्स दिखाई देता है, जो उसी की तरह यहाँ पर गिलबर्ट के कंप्यूटर से डेटा उड़ाने के लिए आया था। फॉक्स को देख एलिस उसे एक बॉटल फेंक कर मारती है और ये आवाज उसके डैड सुन लेते हैं। अब गिलबर्ट समझ जाता है कि एलिस इतनी रात को उसके कंप्यूटर के साथ कोई छेड़खानी करने के लिए आई है। तभी वहां पर एक ब्लू लाइट चमकती है, जिसमें से तीन टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स बाहर आते हैं। तब तक फॉक्स होश में आ जाता है और इन दोनों को बताने लगता है कि वो फ्यूचर से है और वो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आया है। तभी वो टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स फॉक्स पर गोली फायर करते हैं, मगर ये गोली फॉक्स को लगने के बजाय गिलबर्ट के पैर को छूते हुए गुजरती है। फॉक्स जल्दी से एलिस और गिलबर्ट को पकड़ लेता है और अपने साथ फ्यूचर में ले जाता है। वहां पहुंचने के बाद गिलबर्ट और एलिस को पता चलता है कि यहाँ धरती की कंडीशन काफी खराब है और लोग अंडरग्राउंड टनल्स में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पर फॉक्स का दोस्त रैफ भी होता है, जो एलिस को परेशान ना होने को बोलता है, मगर एलिस उसके मुंह पर लात मार के बाहर की तरफ भागने लगती है। जब एलिस बाहर देखती है तो वो एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि बाहर धरती का माहौल काफी खराब था। वहीं दूसरी ओर जब टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स अपने बॉस कॉन्स्टेंस के पास पहुंचते हैं तो वो उन पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो लोग फॉक्स को पकड़ नहीं पाए। अब ये तीनों टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। यहाँ कॉन्स्टेंस बताती है कि फॉक्स एक बहुत ही खतरनाक टाइम क्रिमिनल है, जो फ्यूचर से पास्ट में जाकर चीजें बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर वो ये सब करने में कामयाब हो गया तो फ्यूचर पूरी तरह बदल जाएगा, इसलिए उन्हें फॉक्स और उसके साथियों को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, क्योंकि फॉक्स ने गिलबर्ट को किडनैप कर लिया है। अगर गिलबर्ट को पास्ट में नहीं भेजा गया तो वो कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बना नहीं पाएगा और फ्यूचर की सारी टाइमलाइन एकदम से चेंज हो जाएगी। अब कॉन्स्टेंस लुइस की जगह मैट यो को टाइम पेट्रोल ऑफिसर का लीडर बना देती है। वही दूसरी ओर गिलबर्ट और एलिस आपस में बात कर रहे होते हैं। गिलबर्ट को लगता है कि वो सभी बेल्जियम में होंगे। ये सुन एलिस कहती है कि वो बेल्जियम में नहीं बल्कि पेरिस में है। तभी वहाँ रैफ एलिस के लिए कुछ खाना लेकर आता है। ये खाना देखकर
एलिस काफी दंग रह जाती है। रैफ बताता है कि फ्यूचर के साल 2500 में हर जगह खाने की कमी है, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पेड़ पौधों से लेकर सभी जानवर मारे जा चुके हैं। रैफ एलिस को बताता है कि वो भी उसी की तरह पास्ट से यहाँ पर आया है। जब उसने अर्थ की दुर्दशा देखी तो उसने ठान लिया कि वो अर्थ को तबाह होने से बचाएगा। आगे रैफ एलिस और गिलबर्ट को लेकर उनके लैब पर पहुंचता है, जहां पर फॉक्स भी था। अब गिलबर्ट फॉक्स और रैफ से कहता है कि वो लोग उन्हें जाने दे। ये सुन फॉक्स और रैफ उनको वहां से चले जाने को बोलते हैं। जब गिलबर्ट और एलिस डोर खोलते हैं तो बाहर कई सारे म्यूटेटेड ज़ॉम्बीज होते हैं, जो न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से आदमखोर बन चुके थे। तभी वहां पर मौजूद एक आदमी, जिसका नाम डॉक्टर हेनरी था, वो एलिस और गिलबर्ट को बताता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से इंसान दो टाइप के ज़ॉम्बीज में बदल गए। एक है वॉकिंग ज़ॉम्बीज और दूसरे है रनिंग ज़ॉम्बीज। इन दोनों ज़ॉम्बीज में रनिंग ज़ॉम्बीज सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। आगे एलिस और गिलबर्ट को वो फुटेज दिखाई जाती है जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सप्लोड हो रहा था। एलिस कहती है कि उसे पता था कि उसके डैड के न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से अर्थ तबाह हो जाएगा, इसलिए उसने अपने डैड को रोकने की बहुत कोशिश की। बदले में गिलबर्ट कहता है कि धरती पहले ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफी डैमेज हो चुकी थी, इसलिए उन लोगों को उसे दोष नहीं देना चाहिए। वो उन्हें ये भी बताता है कि धरती तबाह होने का मेन कारण फ्यूचर जनरेशन के लोग है। इन सब बातों को सुन रैफ और फॉक्स एलिस और गिलबर्ट को ले जाकर धरती का नजारा दिखाने की सोचते हैं, ताकि गिलबर्ट को भी पता चले कि उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से अर्थ का माहौल क्या बन चुका है। वो लोग आगे डोर खोलकर ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं और उन्हें एक गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाने लगते हैं। एलिस और गिलबर्ट देखते हैं कि बाहर हर जगह ज़ॉम्बीज है और पेड़ पौधे वहां पर एक भी नहीं है। वो सभी आगे गिलबर्ट को वो न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाते हैं जिसे उसने बनाया था। उस पावर प्लांट के ऊपर न्यूक्लियर क्लाउड्स मंडरा रहे थे और वहां पर बिजलियां भी चमक रही थी। ये देख गिलबर्ट पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, जिस पर वो लोग बताते हैं कि उसने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में बहुत कंजूसी की और उसे काफी कम बजट में तैयार किया। बदले में गिलबर्ट कहता है कि उनके इन्वेस्टर्स ने उसे काफी कम पैसे दिए थे। अब फॉक्स और रैफ बताते हैं कि न्यूक्लियर क्लाउड्स अटलांटिक की तरफ मंडरा रहे हैं, मगर जब 70 साल हो जाएंगे तो ये न्यूक्लियर बादल धरती को घेर लेंगे, जिससे ना तो कोई पेड़ पौधा, ना कोई जानवर और ना ही कोई इंसान बच पाएगा। अब फॉक्स बंदूक निकालकर गिलबर्ट को खत्म करने की सोचता है, ताकि धरती बच जाए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स गिलबर्ट को ले जाकर उसके टाइमलाइन में छोड़ देंगे, ताकि वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बना सके, जिससे फ्यूचर कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए वो गिलबर्ट को यहीं पर गोली मारकर खत्म कर देंगे। बदले में हेनरी कहता है कि वो लोग गिलबर्ट को मारे बिना ही फ्यूचर को बदल सकते हैं और टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स को भी इसके बारे में पता नहीं लगेगा। वही एलिस भी बताने लगती है कि जब उसकी माँ थी तो उसके डैड बिल्कुल ठीक थे, फिर जब उसकी माँ गुजर गई तो उसके डैड पैसों के पीछे भागने लगे। दूसरी ओर टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स फॉक्स के अड्डे पर पहुंचते हैं, मगर उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता। वही फॉक्स और रैफ गिलबर्ट और एलिस को लेकर एक बार पर पहुंचते हैं। गिलबर्ट को लगने लगता है कि एलिस फॉक्स, हेनरी और रैफ का टाइम जाया कर रही है, ताकि टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स आकर इन लोगों को पकड़ ले। दूसरी तरफ हेनरी लैब में बैठा हुआ होता है, जहां के सीसीटीवी में उसे टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स दिखाई देते हैं, इसलिए वो तुरंत एक सीक्रेट डोर से एक चेंबर में घुस जाता है। तभी वहां पर एक ब्लास्ट होता है और हेनरी वहां से टेलीपोर्टेशन डिवाइस से गायब हो जाता है। आगे हम गिलबर्ट और एलिस को देखते हैं, जो बार के बाहर पहुंच चुके थे। उन्हें वहां एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो लड़की इन दोनों से पूछती है कि क्या वो दोनों फॉक्स के दोस्त हैं। तभी वहां पर ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और इन दोनों को घेरने लगते हैं। सही मौके पर रैफ और फॉक्स आकर उन्हें वहां से टेलीपोर्ट करने की सोचते हैं, मगर उनके डिवाइस में बैटरी काफी लो थी। तभी वो सभी छोटे बच्चे वहां पर आकर उन ज़ॉम्बीज को मार गिराते हैं। दूसरी ओर फॉक्स के लैब पर टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स को एक जगह का मैप मिलता है, जिसका नाम टेरी था। आगे हम एलिस, गिलबर्ट, फॉक्स और रैफ को टेरी नाम के जगह पर देखते हैं, जो वहां सभी बच्चों के साथ मिलकर खाना खा रहे थे। तभी हेनरी वहां पर आ जाता है और टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स के बारे में उन्हें बताने लगता है, जो यहां पर कभी भी आ सकते थे। मगर तभी वो टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां के बच्चे टेबल को आड़ा गिराकर उन टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स पर पत्थर बरसाने लगते हैं। वही मैटियो के मुंह पर एक पत्थर लगता है, जिसे देख वो गुस्सा हो जाता है और एक एक्सप्लोजिव उन बच्चों की तरफ फेंकता है। हेनरी बच्चों को बचाने उस बॉम्ब के ऊपर कूदता है और मारा जाता है। अब फॉक्स को गुस्सा आता है और वो गिलबर्ट को मारने की सोचता है, मगर वहां पर कई सारे बच्चे थे, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स
फॉक्स और रैफ को टेजर से शॉक देकर उन्हें बेहोश कर देते हैं। आगे टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स रैफ, फॉक्स, गिलबर्ट और एलिस को लेकर उनके हेडक्वार्टर्स पर पहुंचते हैं। अब एलिस कॉन्स्टेंस को बताती है कि वो अपने डैड को वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने नहीं देगी। ये सुन कॉन्स्टेंस एलिस के फ्यूचर वर्जन से उसे मिलवाती है। एलिस की फ्यूचर वर्जन कहती है कि उसकी जिंदगी काफी मजे में चल रही है, क्योंकि उसके डैड ने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था उससे वो दोनों एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। अगर उसने अपने डैड को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने से रोका तो वो एक अल्कोहलिक बन जाएंगे और इसी वजह से उनकी मौत भी हो जाएगी। आगे एलिस और गिलबर्ट को 2022 में भेज दिया जाता है। दूसरी ओर कॉन्स्टेंस फॉक्स और रैफ को एक होल में डाल देने की सजा सुना देती है, जहां पर टाइम लागू नहीं होता, मतलब वो दोनों हमेशा के लिए उस होल में सड़ते रहेंगे। अब गिलबर्ट प्रेजेंट टाइम में उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने से मुकर जाता है ताकि धरती बच जाए। ऐसा करने से फ्यूचर की टाइमलाइन में गड़बड़ी आने लगती है। ये देख कॉन्स्टेंस अपने साथियों को ईयर 2022 में जाकर गिलबर्ट को वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने को बोलती है। अब लुईस फॉक्स और रैफ को होल के पास ले जाती है और उनके हाथ खोल देती है, मतलब लुईस भी कॉन्स्टेंस के बातों से पक चुकी थी और उसने रैफ और फॉक्स के साथ हाथ मिला लिया है। वो उन्हें टाइम ट्रेवल बैंड्स भी देती है ताकि वो दोनों पास्ट में जाकर टाइम पेट्रोल ऑफिसर्स को रोक सके। आगे लुईस कॉन्स्टेंस के पास जाकर उसके साथ दो दो हाथ करती है, मगर लुईस कॉन्स्टेंस के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाती। वही फॉक्स मैटियो के पास जाकर उसे वर्ल्ड वॉर टू के समय भेज देता है। ये दोनों आगे लड़ने लगते हैं, पर तभी उन्हें आसमान में बॉम्बर प्लेन्स दिखाई देते हैं। तभी मैटियो फॉक्स को लेकर 2022 में पहुंच जाता है। दूसरी ओर रैफ एलिस को तो बचा लेता है, मगर कॉन्स्टेंस गिलबर्ट को लेकर मीटिंग में चली जाती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलती है। वही एलिस उस समय में वापस चली जाती है जब उसकी माँ की डिलीवरी हो रही थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो या तो उसकी माँ को बचा सकते हैं या फिर बेबी को। एलिस डॉक्टर्स को धमकाती है कि वो माँ को बचाए, जिससे वो कभी पैदा ही नहीं होगी और उसके डैड न्यूक्लियर पावर प्लांट को नहीं बनाएंगे। ऐसा करते ही फ्यूचर की सारी टाइमलाइन बदल जाती है। आगे हम एलिस के माँ को देखते हैं जो बच चुकी थी और उनके दो दूसरे बच्चे थे, और यहाँ गिलबर्ट रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। दूसरी ओर फ्यूचर में फॉक्स और रैफ अपने घर पर जागते हैं, जिनकी मेमोरीज वापस आ चुकी थी, मगर किसी को भी एलिस के बारे में याद नहीं होता। मूवी के आखिरी सीन में हम एलिस को फ्यूचर टाइमलाइन में देखते हैं, जो किसी पैराडॉक्स की वजह से एग्जिस्ट करने लगती है, और इसी सीन के साथ यह टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।